खबर आ रही है कोलकाता से। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में आग लग गई है। अस्पताल के फार्मेसी डिपार्टमेंट में ये आग लगी है। जी हां, आपको बता दें कि कोलकाता में फार्मेसी स्टोर में ये आग लगी है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में ये भयंकर आग लगी है। आपको बता दें कि फायर फाइटर्स की गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त मौके पर हैं, और जो आगे किस तरह से आग लगी है, क्यों ये आग लगी है, इसकी वजहों का पता अभी नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में फार्मेसी डिपार्टमेंट में आग। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सभी मरीज इसमें सुरक्षित है। बड़ी खबर आ रही है कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में आग की खबर है। लेकिन इस बीच एक राहत की खबर ये भी है कि सभी मरीज अब तक सुरक्षित है। आग लगने की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन मौके पर दमकल विभाग की सभी गाड़ियां मौजूद हैं। और यहां पर आपको बता रहे हैं कि फार्मेसी के स्टोर में कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में आग लग गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, आपको बता दें कि कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ये आग लगी है, और फार्मेसी डिपार्टमेंट में बताया जा रहा है कि ये आग लगी हुई है। दमकल की 10 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। लेकिन राहत की बात यह है कि जो मरीज है और जो उनके तीमारदार है, उनको कोई खतरा नहीं है और वो आग की चपेट में नहीं आए हैं। लेकिन कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में आग लगी है। बड़ी खबर कोलकाता से। आपको बता दें कि इस वक्त कोलकाता से प्रकाश सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रकाश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, हम देख सकते हैं 10 इंजनें जो हैं वो घटनास्थल पे मौजूद हैं और आग बुझाने का काम जारी है। लेकिन अस्पताल में जो मरीज है, जो मरीज भर्ती थे और जिनका इलाज हो रहा था, उनको भी वहां से निकाला जा रहा है। दहशत का माहौल है। मैं आपको बता दूं, सुबह 7:50 पे अस्पताल के लोगों ने देखा कि एक वार्ड के भीतर से धुआं निकल रहा है। तुरंत फायर डिपार्टमेंट को खबर दी गई और दमकल की 10 इंजनें इस वक्त घटनास्थल पे मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भी आग के फैलने का खतरा है। लेकिन हम देख सकते हैं दमकल कर्मी जो हैं वो भीतर की तरफ जाकर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मास्क लगाकर भीतर गए हैं। तो कुल मिलाकर चूंकि अस्पताल में सैकड़ों मरीज हैं जिनको भर्ती किया गया था, और आसपास के वार्ड जो है वो पूरे धुआं से भर गया है, इसलिए वहां से मरीजों को निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर इस वक्त आग बुझाने का काम जारी है। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रकाश ने बताया किस तरह से ये सुबह 7:40 पर ये आग लगी है, और दमकल विभाग की गाड़ियां भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।